अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. राइट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम. तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हम लिखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है लॉग 21 प्लस लॉग 5. दिस इज लाइक लॉग ए प्लस लॉग बी. और जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लॉग ए इनटू लॉग बी के फॉर्म में लिखेंगे. इट मींस दिस इज इक्वल टू लॉग 21 मल्टीप्लाई 5. सेकंड पार्ट लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करना है सेकंड टर्म के ऊपर. क्योंकि लॉग से पहले एक नंबर मौजूद है 2, तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट का रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे. तो मैं लिखूंगा लॉग 25 माइनस अपनी जगह है, अब लॉग, अब क्या होगा, 3 की पावर में ये 2 आ जाएगा जो लॉग की शुरू में है. तो 3 पावर 2. अब हम देखते हैं दिस इज लाइक लॉग ए माइनस लॉग बी. तो जब बीच में माइनस आता है तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू लॉग ए ओवर बी 3 पावर 2. तो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के 3rd पार्ट के ऊपर, विच इज 2 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग वाई. तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे. लॉग के शुरू में यहाँ पर 2 मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स पावर 2. पावर को हम 2 को हम पावर में ले आए, माइनस अपनी जगह है. उसके बाद ये 3 जो है y की पावर में लेके आएंगे, तो log y पावर 3. अब ये इस तरह से हैं log a माइनस log b, फिर log और log के अंदर माइनस साइन आता है, तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में. तो log a व्हिच इज x स्क्वायर ओवर b व्हिच इज y पावर 3. तो log a ओवर b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. नाउ फोर्थ पार्ट log 5 प्लस log 6 माइनस log 2. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले दो दो टर्म्स जो है log 5 प्लस log 6, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले रूल अप्लाई होगा. दिस इज log a प्लस log b, इसको हम लिखेंगे log a इंटू b. तो log a इंटू b और माइनस log 2 अपनी जगह है. अब हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक log a माइनस log b. दो log के बीच में माइनस साइन है, तो अब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे log a ओवर b की फॉर्म में. तो log a, a क्या है 5 इंटू 6 ओवर b, यहाँ पर क्या है 2. तो log 5 इंटू 6 ओवर 2.